रंजनम अतसी पुष्प संकाशम दशवर्णात्मकम विभुम जटाधरम चतुर्बाहुम नमामि कपि नायकम द्वादशाक्षर मंत्रस्य नायकम कुंत धारिणम अंकुशम च दधानम च कपि वीरम नमाम्यहम त्रयोदशाक्षर युतम सीता दुख निवारणम पीतवर्णम लसत्कायम भजे सुग्रीव मंत्रिणम माला मंत्रात्मकम देवम चित्रवर्णम चतुर्भुजम पाशाकुशाभयंकरम धृतटंकम नमाम्यहम सुरासुरगणैः सर्वैः संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्यायेन्नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः ॐ इति उमा संहितायाम् आञ्जनेय स्रोतम् सभी को सुप्रभात और जय हनुमान। आज हमारी सनातन सभा में हम नागा सन्यासियों से मिलेंगे, रामेश्वर पुरी जी और शुभम पुरी जी। और लेकिन इससे पहले वो लोग आएंगे 8 बजे, और गायत्री बोरपात्रा जी को भी मैंने बुलाया है। लेकिन तब तक हम न्यूज़ पढ़ेंगे, तो आज की न्यूज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। बाहर श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े किए, जेल में आफताब मांग रहा कानून की किताबें। कोर्ट ने कहा गर्म कपड़े दो, कस्टडी 14 दिन बढ़ाई। आफताब ने इससे पहले भी जेल के अधिकारियों से किताबें मांगी थी, उसे द ग्रेट रेलवे बाजार की नाम की किताब पढ़ने दी गई थी। इसको कुछ नहीं देना चाहिए, इसके तो पिटाई होनी चाहिए बस, क्योंकि इसने जो है वो टुकड़े टुकड़े करा है, श्रद्धा को मारा है। इन लोगों को फांसी तुरंत देनी चाहिए, इनको रखना नहीं चाहिए बहुत देर तक जेल में। दूसरी न्यूज़ है, ये क्या बकवास है, वॉर की रीमेक बना दी, लोगों को पसंद नहीं आया पठान का ट्रेलर, कहा इसे धूल चटाने आ रहा है अखंडा। पठान का ट्रेलर देखने के बाद एक अन्य यूजर ने लिखा है कि यह फिल्म उसे टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर की रीमेक लग रही है। चीटिंग तो ये हमेशा करते ही है। ईरान में 3 और हिजाब विरोधी प्रदर्शकारियों को सजाए मौत। अल्लाह के खिलाफ जंग का मुकदमा, इससे पहले फांसी पर चढ़ने वाले ने कहा था मत पढ़ना कुरान। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईरानी अदालत ने सुरक्षा बलों की हत्या के आरोप में सालेह मीर हाशमी, माजिद काजेमी और सैयद यघोबी को मोहरे बेह यानी अल्लाह के खिलाफ युद्ध का दोषी ठहराया है। 3 लोगों को सजाए मौत दे दी है। अगली न्यूज है, खेल रहे कुत्तों के बच्चों पर सलमान ने चढ़ा दी कार, पीछे भागती रही मां, 2 की मौत और 1 की टूट गई टांग। सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस कर रही है तलाश। बीना ने आसपास के लोगों से सीसीटीवी फुटेज जमा किए और थाने पहुंच गई। बीना की शिकायत पर पुलिस ने पशु क्रूरता का मामला दर्ज कर लिया है। देखो ये बेचारे हैं बच्चे कुत्ते के, इन पर गाड़ी चढ़ा दी, माय गॉड, और इनकी टांगे तोड़ दी और इतना 2 को मार दिया, 1 को घायल कर दिया। अगली न्यूज है, शिव मंदिर तोड़ा, होली मनाना मुश्किल, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, स्कूलों में इस्लामी प्रेयर, हल्द्वानी के इन हिंदुओं की पीड़ा क्यों नहीं दिखाता मीडिया। वन भूलपुरा के इंदिरा नगर के हिंदुओं ने हमें बताया कि उन्हें भी धरने में शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो नहीं गए। उनका कहना था कि इस बात से मुस्लिम नेता काफी नाराज हुए थे और उन्हें उल्टा सीधा सुनाया था। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा के मामले में मीडिया के वामपंथी वर्ग ने महज एक ही पक्ष को पीड़ित दिखाकर रिपोर्टिंग की। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी 2023 को होनी है, जिससे पहले सोच समझ कर ये नैरेटिव गढ़ा गया कि इस मामले में राजनीतिक सोच काम कर रही है, जिसके निशाने पर मुस्लिम समाज के लोग हैं। लेकिन जब हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर बन भूलपुरा में बचे कुछ हिंदुओं के हालात जाने, तब सच्चाई कुछ और ही निकली।
पेश है उस बातचीत के कुछ मुख्य अंश। अन्य मीडिया संस्थानों की तरह हमने सड़कों के किनारे जमा लोगों का पक्ष जानने की बजाय गलियों के अंदर जाने का फैसला किया। इसी तलाश में हम इंदिरा नगर बस्ती में गए, जहां अभी भी कुछ हिंदू बचे हुए हैं। हमने उनसे बात करनी चाही तो पहले तो वो तैयार नहीं हुए। हमें लगा कि इनके अंदर हाईकोर्ट द्वारा अतिक्रमण हटाने के आदेश को लेकर गुस्सा है, लेकिन असलियत कुछ और निकली। वहां के हिंदू अपनी और परिवार की सुरक्षा को लेकर बेहद डरे हुए थे। हमें लगा कि यह डर कुछ ही लोगों में होगा, लेकिन हमने एक एक करके बुजुर्गों, युवा बच्चों, महिलाओं और पुरुषों से बात की तो सामने एक भयावह तस्वीर निकल कर आई। चरसी और शराबी घरों पर मारते हैं लात। लगभग 72 वर्षीय एक वृद्ध व्यक्ति ने हमें बताया कि उनके लिए इलाका मुसीबतों से भरा हुआ है। उनका कहना था कि उनके घरों पर चरस और शराब के नशे में लात मारी जाती है, जिसका विरोध करने पर एक दूसरे पर आरोप लगाकर मामले को शांत कर दिया जाता है। वृद्ध के अनुसार लगभग 10 साल में बनभूलपुरा इलाके में हिंदुओं के लिए बदतर हालात हुए, क्योंकि मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ी। वृद्ध के आसपास मौजूद कुछ लोगों ने कहा कि उनके पानी में सब मर सिबल पंप खोल दिए गए हैं और चोर का पता भी नहीं चला। वहीं के एक अन्य हिंदू ने कहा कि एक तरफा आबादी कैसे बढ़ रही है और ये लोग कहां से आ रहे हैं, ये किसी को नहीं पता। बजरंग दल के जिला संयोजक जोगिंदर सिंह जोगी ने भी बनफूलपुरा में जरस, गांजा आदि मादक द्रव्यों की बिक्री की जानकारी दी। हमें यहाँ से निकाले सरकार। बनभूलपुरा के एक दिव्यांग हिंदू ने हमें बताया कि वो चाहते हैं कि भारत सरकार उन्हें परिवार सहित वहां से निकाल ले, क्योंकि वहां अब हिंदुओं के रहने लायक हालात नहीं बचे हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि पहले भी बनफूलपुरा में हिंदू मुस्लिम विवाद हो चुका है और ऐसे मौकों पर विरोध में भीड़ जमा हो जाती है। हिंदू समाज के एक अन्य व्यक्ति का कहना था कि अगर उनके पास पैसे या रहने का कोई और ठिकाना होता तो वो कब के इलाका छोड़कर चले गए होते। सोशल मीडिया पर पोस्ट से घेर लिया था घर। एक हिंदू महिला ने हमें बताया कि उनके बेटे द्वारा सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट शेयर हो गई थी, जिसके चलते उनके घर को घेर लिया गया था। महिला के मुताबिक अगर पुलिस एक्टिव ना होती तो उस समय उनके परिवार के साथ कोई अनहोनी हो जाती, क्योंकि भीड़ थाने तक पहुंच गई थी। कभी था हिंदू बहुल, अब लगभग हिंदू विहीन। बनभूलपुरा के इंदिरा नगर की बात करते हुए एक बुजुर्ग ने बताया कि 1960 के दशक में बनभूलपुरा हिंदू बहुल हुआ करता था। उसके मुताबिक कुछ समय बाद वहां आग लग गई थी। हमें दी गई जानकारी के अनुसार धीरे धीरे हिंदू इंदिरा नगर से कहीं और शिफ्ट होते चले गए और अब पूरा बनभूलपुरा मुस्लिम बाहुल्य हो चुका है। हमें बताया गया है कि उस क्षेत्र में हिंदुओं का पलायन लगातार जारी है, हुई है लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाएं। इंदिरा नगर के एक युवक ने हमें बताया कि बनभूलपुरा के क्षेत्र में लव जिहाद की घटनाएं होती रहती हैं। एक लड़की का उदाहरण देते हुए उस हमें बताया गया कि रातों रात उसे लेकर हैदराबाद पहुंचा दिया गया था, जो बाद में प्रेग्नेंट वापस आई थी। हमें बताया गया कि लड़की के परिजन भी अपनी बेटी की वापसी की उम्मीदें खो चुके थे। वहीं एक अन्य दिव्यांग व्यक्ति ने हमें बताया कि उनका भाई कभी हिंदू हुआ करता था, जो अब इस्लाम कबूल कर चुका है। उसके लिए उसने अपने भाई के साथियों को जिम्मेदार बताया और खुद को हमेशा के लिए अपने धर्मांतरित भाई से अलग होने की जानकारी दी। बजरंग दल जिला संयोजक जोगिंदर सिंह जोगी ने भी बनभूलपुरा में लव जिहाद जैसी घटनाएं होना स्वीकार किया। इंदिरा नगर के हिंदुओं ने हमें बताया कि पहले की सरकारों में वो होली भी ठीक से नहीं खेल पाते थे। उन्होंने बताया कि होलिका दहन से पहले भारी पुलिस फोर्स लगती थी। हालांकि इलाके के हिंदुओं ने कहा कि भाजपा सरकार में उनकी सुनवाई पुलिस में होती है और किसी घटना पर कार्रवाई भी की जाती है। शिव मंदिर को तोड़कर बना लिया घर। लगभग 65 वर्षीय एक बुजुर्ग ने हमें बताया कि कभी सत्यनारायण तिवारी नाम के व्यक्ति का बनभूलपुरा क्षेत्र में घर हुआ करता था। घर के बगल उन्होंने मंदिर भी बनवा लिया था। कुछ दिनों बाद वो घर छोड़कर चले गए और उनके घर के साथ मंदिर को भी तोड़कर मुस्लिमों ने कब्जा कर लिया और अब वो वहां रह रहे हैं। बनभूलपुरा के इंदिरा नगर के हिंदुओं ने हमें बताया कि उन्हें भी धरने में शामिल होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो नहीं गए। उनका कहना था कि इस बात से मुस्लिम नेता काफी नाराज हुए थे और उन्हें उल्टा सीधा सुनाया गया। एक महिला ने हमें बताया कि उन्हें दुआ पढ़ने के लिए बुलाया गया, जिस पर उन्होंने बुलाने वालों को भगवान की प्रार्थना करने के लिए कहा। इस बात से धरने के आयोजक नाराज हो गए और लौट गए। स्कूल में हिंदू बच्चों को पढ़ाई जाती है उर्दू और इस्लामी प्रार्थना। बनभूलपुरा के दो नाबालिग हिंदू बच्चों ने हमें बताया कि स्कूल में उन्हें उर्दू पढ़ाई जाती थी,
जब हमने उनसे स्कूल में पढ़ाई जाने वाली प्रार्थना सुनाने को कहा तो उन्होंने हमें इस्लामी प्रार्थना सुनाई। हमें स्कूल का नाम SN पब्लिक स्कूल बताया। इस बीच बच्चों के अभिभावकों ने हमें बताया कि जब उन्हें अपने बेटों को स्कूल में उर्दू और इस्लामी प्रार्थना पढ़ाने की जानकारी हुई थी तो उन्होंने वहां से नाम कटवा कर दूसरे स्कूल में लिखवा दिया था। बनभूलपुरा की कुछ हिंदू महिलाओं ने हमें बताया कि जब वो कहीं आती जाती हैं तो उन्हें सड़क पर रोका जाता है। उनके मुताबिक हिंदू बहन बेटियों के साथ अभद्रता की जाती है और विरोध पर उनके घरों में मास्क तक फेंक दिया जाता है। बजरंग दल जिला संयोजक ने भी ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा था कि बनभूलपुरा में बचे खुचे हिंदुओं की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अपनी सुरक्षा की मांग हमसे बात करने वाले हिंदुओं ने अपना नाम प्रकाशित न करने की अपील की है। कितने दुख की बात है कि हिंदू हर जगह से पलायन कर रहा है, कहां तक पलायन करेगा। हमें डटकर मुकाबला करना है इन नर पिशाचों का। 2024 से पहले राम मंदिर पर हमला आतंकी संगठनों का मेन टारगेट, नेपाल से घुसने की आशंका, रिपोर्ट में दावा हो सकता है आत्मघाती हमला। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने राम जन्मभूमि को अपने सबसे बड़े टारगेट के तौर पर रखा हुआ है। इस हमले के जरिए वे भारत में सांप्रदायिक हिंसा फैलाना चाहते हैं। साजिश को अंजाम देने के लिए नेपाल के रास्ते गोला बारूद और आतंकी भेजे जा सकते हैं। तो ये संगठन योजना बना रहे हैं 2024 से पहले ये काम करेंगे। कन्हैया लाल की जान गई, गला रेतने वालों को जिन्होंने पकड़वाया उनका सुख चैन गया, बताया जान पर खतरा, सरकार ने बिसराया, गांव वाले हंसते हैं। जब गौस मोहम्मद और रियाज पकड़े गए थे तब शक्ति सिंह और प्रहलाद की प्रशासन ने खूब वाहवाही की थी, सुरक्षा का वादा किया था। इनका कहना है कि अब उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। हालांकि कन्हैया लाल के बेटों ने उनकी मदद की है। शक्ति सिंह और प्रहलाद ये हैं जिन्होंने की कन्हैया लाल के हत्यारों को पकड़वाया था। अब इनकी सुरक्षा की बात आई है। मैं वेट कर रही हूं कि कब वो लोग आएंगे। शहला रशीद पर चलेगा मुकदमा, दिल्ली LG ने दी मंजूरी। भारतीय सेना पर लगाए थे झूठे आरोप, की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। दिल्ली के उप राज्यपाल कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि LGVK सक्सेना ने भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक ट्वीट करने के लिए मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है। बहुत अच्छा हुआ। शंभू दयाल को चाकू मार रहा था अनीस तो तमाशबीन बने थे लोग। मौत के बाद पुष्प वर्षा, 30 साल दिल्ली पुलिस में दी थी सेवा, कमिश्नर ने दिया कंधा। वायरल वीडियो में झपटमार अनीस भीड़ में कई लोगों के बीच उन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करता दिखाई दे रहा है। कई घाव लगने के बाद भी शंभू दयाल ने अनीस को जमीन पर पटक दिया था। इसने जो है बहुत हमला करके और चाकू से घोंप घोंप के मारा है ASI शंभू दयाल को, अनीस ने, मुसलमान ने। हर रोज मैं ये खबरें पढ़ती हूँ, कोई ना कोई मुसलमान जो है वो हिंदुओं को मार रहा होता है। जिस घर को मेहनत से बनाया था वो आज वीरान पड़ा है। जोशी मठ से पलायन करने वाले लोगों को भगवान का आसरा कह रहे बगीचे खेत सब पीछे छूट गए, पता नहीं कहाँ जाएंगे। जोशी मठ में रहने वाले बिंदु ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ये मेरा मायका है, 19 साल की उम्र में मेरी शादी हुई थी, मेरी माँ 80 साल की है और मेरा एक बड़ा भाई है। उत्तराखंड में जोशी मठ में अपने घरों को छोड़कर जाते लोग बेहद दुखी हैं। उत्तराखंड में जमीन धसती जा रही है जी। तो रामेश्वर पुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे वो ड्रॉप हो गए लगता है, उनको फिर से ज्वाइन होंगे तो मैं इन्हीं का वेट कर रही हूँ। आज हम नागा सन्यासियों से मिलेंगे, रामेश्वर पुरी और शुभम पुरी से। उन्हीं का फोन आ रहा है तो मैं देखती हूँ। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण जी। आप अभी जुड़े थे पर फिर आप ड्रॉप हो गए, दोबारा से क्लिक करिए उसी पर। हाँ जी। मैं पहले दर्शन करवा देता हूँ सबको, ठीक है? नहीं, आप सबसे पहले जुड़ेंगे तभी दर्शन होगा, इस पर नहीं होगा। फोन में काट रही हूँ, फिर से जो लिंक भेजा था उसी पर उंगली रखिए तो क्लिक हो जाएगा, फिर आप आ जाएंगे। ठीक, ओके करता।
उनको आता नहीं है जुड़ना। और गायत्री जी भी जुड़ने वाली होंगी, उन्हें भी हम जोड़ेंगे। एक्चुअली मैं उनको जुड़ना नहीं आता है, तो वो फिर से कोशिश कर रहे होंगे। नागा सन्यासियों के बारे में जब मैंने उनसे पूछा तो मुझे फोन पर ही बताने लगे। जी स्वागत है आपका रामेश्वर पुरी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। जी दर्शन करवा देता हूं। जी ये मंदिर के दर्शन कर लीजिए सब लोग जितने बैठे हैं अभी। आज शुभम पुरी जी चलो। अरे महादेव के मंदिर है ये, इनके दर्शन कर लीजिए मंदिर के। जी बहुत अच्छे दर्शन हो गए, जय महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलो जी रामेश्वरपुरी जी, हमारे दर्शक जो हैं वो सब नागा सन्यासी कौन होते हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, आप प्लीज बताइए। और अपने जीवन के बारे में बताइए, आप कैसे इस तरफ आपकी रुचि हो गई, और नागा सन्यासी कौन होते हैं, सब कुछ बताइए हमें, हमें कुछ नहीं मालूम इस बारे में। ये मंदिर गुजरात में राजो है। स्वामी जी आप बैठ जाइए आराम से, और आप ही बता दीजिए, बाकी लोग बाद में जुड़ जाएंगे, आप बैठ के बता दीजिए। जी सब लोग सुन लीजिए, ये नागा सन्यासी हैं, इनका नाम है रामेश्वर पुरी जी, और ये मंदिर के अंदर ही हैं, और ये मंदिर जो है वो महादेव का मंदिर है गुजरात में। ओम नमो जी
ओम नमो नारायण। ये नागा सन्यासी कौन होते हैं स्वामी जी? शंकराचार्य जी ने जो सात अखाड़े नागा सन्यासी के सात अखाड़े की रचना की, और उस सात अखाड़ा में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, उसके बाद निरंजनी, उसके बाद अटल, उसके बाद आनंद, उसके बाद जुना अखाड़ा, उसके बाद आह्वान अखाड़ा, उसके बाद आता है अग्नि अखाड़ा। अग्नि अखाड़ा सात अखाड़ा में 10 नाम होता है, गिरी, पुरी, भारती, वान, आरण्य, ऐसा 10 नाम नागा सन्यासी होती है। उसमें एक अखाड़ा है अग्नि अखाड़ा, उसमें ओनली ब्राह्मण ब्राह्मण लोगों को ही दीक्षित किया जाता, और वो ब्राह्मण को संन्यास नहीं, नागा संन्यास नहीं दिया जाता है, संन्यास दिया जाता है, वो ब्रह्मचारी रहता है। जब भी उसको संन्यास में आना है तो वो गिरिपुरी, भारतीवान, आरण्य में आते हैं, वैसे वो ब्रह्मचारी रहते हैं। उसके बाद नागा संन्यासी की जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापना करके एक नागाओं की फौज बनाई। जैसे आदि अनादि काल से हमारे मंदिर तोड़ते जा रहे थे, और वो मंदिर तोड़ते जा रहे थे, उसकी रक्षा में हमारे शंकराचार्य जी ने निकाल दो, शंकराचार्य जी ने नागा सन्यासी परंपरा चालू की। अखाड़ा परंपरा आदि अनादि काल से आ रही थी, लेकिन उसको एक दिशा दी, एक जूट बनाया, उसमें 8 श्री महंत बनाए, और 8 श्री महंत में 2 जमातिया महंत बनाए, और वो जमातिया महंत ऐसे रहते थे कि जैसे कोई भी राजा की तरह से, राजा महाराजा ये अपने शुभ आनंद जागन्नाथ महादेव मंदिर गुजरात, और नागा सन्यासी है, और यहाँ जागन्नाथ महादेव मंदिर में दर्शन किए, उसके महंत है वो, थोड़ा परिचय नागा सन्यासी के बारे में वो परिचय तो इनको नागा सन्यासी क्यों कहते हैं? इनका नागा से क्या नारायण। मतलब है? ओम नमो नारायण स्वामी जी, ये हमारा ओम नमो प्रश्न नारायण। है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, हमारा प्रश्न ये है कि इनको नागा क्यों बोलते हैं? और कई लोग कहते हैं नागा सन्यासी निर्वस्त्र रहते हैं, तो आप लोगों ने तो कपड़े पहने हुए हैं। नागा सन्यासी देवी ऐसा है कि अपने यहाँ भगवत गीता में ये कहा है कि जो है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तां कर्म कर्तुर्मीहारसि। हम लोग नागा सन्यासी अपनी वृत्ति से और अपनी विधि विधान से नागा सन्यासियों को, जो हमारी परंपरा चल रही थी जब आदि गुरु शंकराचार्य जी भगवान के बाद, तो नागा सन्यासी तो हम लोगों को बनाया, लेकिन जब हम लोकाचार में रहते हैं तो इस समय क्या है कि लोग फिजिकल जीवन जीते हैं, देहात्म वृत्ति रखने लगे हैं, देह वृत्ति में लोगों का जीवन होता है, इसलिए देह वृत्ति में लोगों के अंदर एक अनुशासन बना रहे, इसलिए हम लोग जो है वस्त्र पहनते हैं, बाकी हमारी वृत्ति जो है आंतरिक वो इंद्रियों से परे हो जाती है, तो हमारे अंदर ऐसा नहीं है कि हम मतलब नागे होके मतलब निर्वस्त्र घूमे या ये है वो है। तो नागा एक वृत्ति होती है, और वो वृत्ति में हम लोग परंपरागत होते हैं, कुंभ इत्यादि होगा जब हमारी विधि होगी, जब हमको हमारी सारी सवारी या धर्म के लिए निकलना होता है स्नान इत्यादि के लिए कुंभ में, उस समय हम लोग नग्नावस्था में रहते हैं, बाकी लोकाचार में रहना है, समाज में रहना है, तो महात्मा होते हुए समाज में इसका गलत मैसेज नहीं जाए, क्योंकि लोग इस समय फिजिकल जीवन जीते हैं,
और शरीर ही उनके लिए सब कुछ है, तो हम लोग फिर वास्तविक त्याग जो है अनुशासन में अपने जीवन जीते। तो नागा सन्यासी और सन्यासियों से कैसे भिन्न होते हैं? देखिए सन्यास जो है प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है, ठीक। जो अपने यहाँ चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। जब अर्जुन ने देखा कि ये महाभारत हो रहा है, हजारों लोग, लाखों लोग हमारे सामने खड़े हैं और धर्म के विरुद्ध हमारा परिवार ही जुड़ के खड़ा हो गया है, तो उस समय अर्जुन ने भगवान से ये कहा कि ये सब मारकाट करने की अपेक्षा भेक्षर्याम चरन्ति, इस तरह का शब्द आया है, बोले इन सबसे अच्छा है श्री कृष्ण भगवान हम जो है भिक्षाटन करने लगे और जो है ये मारकाट से हम दूर हो जाए तो मैं भी जो है सन्यासी बन जाऊं। तो वहां से डेफिनेशन शुरू होती है सन्यास की। एक अर्जुन जो गलत गलत गाइडेशन में जा रहा था कि भाई बस दंड कमंडल उठा लिए और निकल लिए, वहां उन्होंने उस पर भगवान श्री कृष्ण ने दूसरा जो है उनको बताया कि तेरे को सन्यासी बनना है कोई बात नहीं, जो मेरे को जिस भाव से पूछता है, ये यथाम प्रपद्यन्ते तान तदेव भजाम्यहम्, जो मेरे को जिस भाव से पूछता है उसकी मैं भक्ति उस प्रकार सफल करता हूँ। तो अर्जुन के अंदर एक प्रश्न आ गया सन्यासी बनने का उस समय, कि भाई ये सबको छोड़ के तो मैं जो है भिक्षाटन करूंगा और जो है सन्यासी जीवन ले। तो वहां भिक्षाटन ही सन्यासी का जीवन नहीं होता है, फिर भगवान ने उसको दूसरे अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक पूरा कर्म समझाया, ज्ञान समझाया, भक्ति समझाई, विराट स्वरूप दिखाया, आत्म संयम योग है, गुणत्रय विभाग योग है। आखिरी में जब सन्यास जब 18वां अध्याय जब गीता का समापन होने लगा उस समय अर्जुन बोलता है कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, हे भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया है। तो मोह नष्ट किसका होता है? सन्यासी का होता है। वो प्रत्येक मनुष्य पे घट सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं घट सकता। और हम लोग जो है सन्यास का जो आश्रम है वो प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है, तो हम लोग उसके प्रवर्तक है। कम से कम हमको देख के तुम्हारे अंदर वो त्याग वाली वृत्ति तो आ जाए तुम लोगों के भी अंदर, तो हम लोग उसके प्रवर्तक है। और सन्यास प्रत्येक जीव प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए अनिवार्य है। वहां उसने कहा 18वें अध्याय में, भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया, बताओ क्या करूं। तो भगवान ने कहा होगा धर्म के लिए हत्या, और जो है भगवान ने कहा मन निमित्तम कृतम पापम मद भरताय च कल्पते, बोले मेरे निमित्त में क्या हुआ पाप की जो पुण्य हो जाता है धर्म के लिए। मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि हम लोग जो है वो मेरे साथ गायत्री बोरपात्रा भी हैं, ये गायत्री बोरपात्रा जी जो है वो एनजीओ चलाती हैं असम में और गौ रक्षा भी करती हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य करती हैं और जमीन से जुड़ी हुई हैं, तो ये भी है हमारे साथ पैनल पे। जी नमस्कार, हमारे संत गणों को दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नर्मदे हर नर्मदे हर। मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं फिर गायत्री जी, अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। मैं ये कहना चाहती हूँ स्वामी जी कि आपको पता है कि इस्लामी प्रीति जी, हाँ जी जी, आपने जो एक प्रश्न पूछा था हमारे नाथ संप्रदाय के जो साधु महाराज जी होते हैं वे इस प्रकार क्यों होते हैं, उनके संप्रदाय के विषय जो पूछा था, मैं जो मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी बहुत ही संकीर्ण मेरा सोच विचार है, उस संकीर्ण विचार के अंतर्गत जो मैं आज तक समझ पाई हूँ वो मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी। यदि कोई त्रुटि है तो संत महात्मा जी कृपया मुझे क्षमा कर दें और उसका सुधार भी कर देंगे तो आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। तो प्रीति जी, जो आपने पूछा था कि नाथ संप्रदाय या नागा साधु क्या होते हैं, तो मूलतः ये देखा गया है कि हमारे जो चार वेद बने गए हैं, हमारे दर्शन अलग अलग भिन्न भिन्न रहे हैं। एक दर्शन रहा है जैसे कि आप मान लीजिए अद्वैत, फिर द्वैत, फिर बहुत दर्शन नहीं है, दर्शन छह ही है।
हाँ जी, नहीं, मैं अलग अलग बोल रही जी हूँ, गायत्री जैसे जी, मैं अलग आपकी अलग। शक्ल, आप अपना कैमरा क्यों नहीं खोल दिया है? गायत्री जी, हम आपकी शक्ल भी देखना चाहते हैं गायत्री जी। नहीं, इस समय जी मैं थोड़ा बाहर हूँ, नहीं, इसी मैं कारण तो, अच्छा, बाहर हूँ गायत्री इसी जी कारण। आपसे तो मैं कभी भी आंसर्स ले लूंगी, आज तो ये बड़े मौके से आए हैं तो प्रश्न का आंसर मैं इनसे लेना चाहती थी। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ अवश्य कॉल कर लीजिए, अच्छा, ठीक एक है। मेरा क्वेश्चन दिमाग में ये है कि जो इस्लामी लोग हैं ये नर पिशाच हमारे पर हमला करते हैं डेली, हमारी बहन बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, इतनी जगहों से हिंदू पलायन कर रहे हैं, तो हमारा जो संस्कृति है वो तो हमें बताती है कि हम जो है कैरियर के एंड में जो है वो साधु बन जाएं और सब कुछ छोड़कर जो है वो त्याग कर लें और अपना घर बार सबसे वो हो जाएं, और इनकी सभ्यता ये सिखाती है इस्लाम की कि दूसरों की भी चीजें हड़प लो, माले गनीमत कर लो, उनकी चीजें, उनकी बहू बेटियों पर भी हथिया लो। तो ये लोग तो ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, इनके पास तो वर्चस्व आता जा रहा है और हम लोग जो है वो हर जगह से भाग रहे हैं हिंदू, तो इसका क्या निवारण है? मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी आप ही से हैं प्रश्न। पलायनवाद अपने आप किसी भी शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है। देखो, अपने यहाँ का मूल जो अद्वैत की बात बहन ने की है, तो अद्वैत में तीन जो है मुख्य अपने धर्म जो ग्रंथ है, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। तो अपने को गीता प्रमाण में, अपने सनातनियों के लिए गीता ही प्रमाण में है। पलायन तो अर्जुन कर रहा था बहन, फिर उसको जो है भगवान ने धर्म का ज्ञान दिया, कर्म का ज्ञान, सारे ज्ञान दे दिए। फिर उसने कहा कि लो भाई, धर्म के लिए जो हथियार उठाओ, हथियार उठाओ। हनुमान जी महाराज के साथ क्या हुआ? हनुमान जी महाराज ने कई लोगों को निपटा दिया, धर्म के लिए निपटा दिया, लेकिन उनके हृदय में राम है, इनके इनके हृदय में श्री कृष्ण भगवान बैठ गए। तो वहां जो है सन्यासी कौन है? अनासक्ता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या सा सन्यासी। देखिए ऐसा है, अब इस समय कलयुग में क्या है बहन, के सन्यासी तो उसकी डेफिनेशन भी हम बनाएंगे, त्यागी उसकी डेफिनेशन भी हमारा समाज बनाएगा, योगी उसकी डेफिनेशन भी हम बनाए, ये नहीं चलेगा ना। डेफिनेशन में प्रमाण तो अपने यहाँ शास्त्र है कि कौन सन्यासी है शास्त्र के हिसाब से, कौन योगी है, कौन त्यागी है, कौन गृहस्थी है। तो ये डेफिनेशन समाज में क्या विकार आते रहते हैं। विकार आया कि भाई चलो कुछ भी हुआ, झोला झंडा उठाया, भाग लिए, जहां कहीं धर्म के लिए खड़ा हो रहे, बोले मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं भाग रहा हूं। ये पलायनवाद अपने सनातन में कहीं है ही नहीं। अगर कोई मेरे को दिखा दे, पलायन तो अर्जुन कर रहा था ना कि मैं जा रहा हूं उन सबको छोड़ के, मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा सामने मतलब तुम। जैसे हल्द्वानी में आजकल बहुत जगह ये मुस्लिम समुदाय आके हिंदुओं को अपनी तो आबादी बढ़ा रहे हैं, और हिंदू जो है वो बेचारे जब मुस्लिम बहुल हो जाते हैं तो ये लोग जबरदस्ती करते हैं। अभी मैं पढ़ रही थी न्यूज, आज ही अभी पढ़ रही थी कि वहाँ हल्द्वानी में जो कई सारे हिंदू हैं उनको ये लोग बोल रहे हैं कि आओ हमारे यहाँ दुआ दुआ पढ़ो, हमारी ये करो, जब उन्होंने आने से मना कर दिया तो ये लोग नाराज हो गए हैं, उनको बोल रहे हैं ये जगह छोड़ जाओ, ये कर जाओ, ऐसे मतलब हिंदू सारे वहां से शिफ्ट हो रहे हैं। तो हल्द्वानी में एक इलाका पूरा मुसलमान बहुल हो गया है, तो ऐसे हिंदू हर जगह से चले जा रहे हैं, इसका क्या उपाय है? ये गलत, देखिए बहन, ये नॉलेज ही गलत दिया। वेद भगवान कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत यशो लभस्व, आप उठिए, जागृत होइए और यश को प्राप्त कीजिए। तो यश कहाँ से मिलेगा? जो व्यक्ति धर्म के लिए लड़ेगा, जो व्यक्ति धर्म को जिएगा, उसी को ना यश मिलेगा। वहां उत्तिष्ठ जागृत धर्म लभस्व, ये नहीं कहा कि धन की प्राप्ति करिए, ये सब नहीं। यस यानी आपको धर्म पे जीना है, धर्म के लिए लड़ना है, धर्म को हृदय में रखना है। और अपने यहां तो ऐसा है, भगवान ने ये कहा कि जो है सारे कर्म जो है मेरे को आप अर्पित कर दो। यही तो अपने यहाँ अवतारों में हुआ। ज्ञान की ज्ञान का ज्ञान आने से क्या होता है कि सब कुछ हमारा कर्म जो है भगवान के प्रति अर्पित हो जाता है। तो हम लड़ तो रहे हैं फिजिकली, लेकिन हमको उसका पाप पुण्य नहीं लगता। ये तो सनातन का बेनिफिट प्लस पॉइंट है। धर्म संस्थापना अर्थ है संभवामी युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान ने यह कहा कि मैं आता हूं, अवतार लेता हूं। दिन में 14 बार जो है निगेटिविटी माइंड में आती है हम लोगों के, वहां भी धर्म की हानि हो रही है। लेकिन जो व्यक्ति धर्म पे रहता है, गुरु महाराज पे रहता है, परंपराओं पे रहता है, वहां उसके हृदय से तुरंत ब्रेक लगता है, नहीं, ये नहीं करना। तो वहां भगवान का उदय हो गया ना। भगवान शरीर लेके आए ये नहीं होता है,
भगवान शरीर लेके आया, अवतार लेके आया, ये नहीं है। उसके आप गूढ़ रहस्य को समझिए। आज हृदय में लगा के दूसरे का जो है हम धन ले लें या दूसरे के साथ कुछ गलत कर्म कर दें, लेकिन अगर जो धर्माचरित होता है, धर्म पे जो जीता है, उसके हृदय से ब्रेक आती है, भगवान उसको रोकते हैं। उसके अंतरात्मा में जो भगवान अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो अंतरात्मा सदा जना नाम हृदय सन्निविष्टा, भगवान जो यहाँ जो है अपने हृदय गुहा में रहते हैं, तो वो तुरंत जो है ब्रेक लगा देते हैं। तो यदा यदा ही धर्म से उसका एक ही अर्थ नहीं है कि जब जब असुर लोग बढ़ेंगे या जो है राक्षस लोग आएंगे तब आएंगे, ऐसा नहीं है। आप किसी भी समय धर्म के लिए खड़े हो सकते हैं, इसमें कोई वो थोड़ी है, और उसमें शास्त्र संगत है, कोई इसमें अन्याय नहीं है। आप लोगों की क्या मतलब, आप लोगों ने अचानक, मतलब मैं किससे पूछूं, तो आप लोग कैसे बन गए नागा साधु? तो क्या इसका नागालैंड से कोई संबंध है? नागा क्यों कहते हैं? नागालैंड से संबंध नहीं है। असल में क्या है कि जब ये आक्रांता सब आ रहे थे, तो हमारे महापुरुषों ने नागाओं की एक सेना बनाई, वो भी धर्म की रक्षा की। तो नागाओं की फौज बनाने से क्या हुआ कि उनको एक तो ज्ञान हो गया, दूसरी चीज वो फिजिकल नहीं रहे, क्योंकि वो 24 घंटा नागा नग्न स्वरूप में रहते थे, तो देह की जो वृत्ति है, देह का जो प्रेम होता है, वो उनका कट जाता, तो उनको करना क्या था, धर्म के लिए लड़ना। तो ये उनके फिजिकल उनको फायदे इसमें ज्यादा पड़ते थे नागाओं को। आज नागा वृत्ति से कोई रहेगा तो वो एक बार तो वही देखेगा समाज में, बोले अपना कोई नहीं ईश्वर के अलावा। तो ये जो सारे हमारा भेष है, हमारी नागा सन्यासियों की जो फौज है, उसकी जो व्यवस्था है, वो हमको कहीं ना कहीं जोड़ के रखती है धर्म से, और वो उसमें मतलब कारण अधर्म पे चलने से हमको हमारे भेष भगवान भी रोकते हैं। अगर हमको कुछ हुआ कि चलो आज यहाँ जाए, तो एक बार मन में तो ये लगेगा कि नहीं लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। उसी तरह नागा अगर कहीं जाए तो उनका संसार काटना और धर्म पे स्थापित करना, इसलिए उनको एक नग्न व्यवस्था के अंतर्गत हमारे महापुरुषों ने रखा। बाद में इसका ये हुआ कि हजारों लोग जो है नागा धर्म के लिए जो है उनका जो है अपने ब्रह्म को प्राप्त हो गए, परमात्मा को प्राप्त हो गए धर्म के लिए, क्योंकि देह ध्यास तो उनका छूट चुका था। तो ये एक व्यवस्था है। और तो ये तो आपके माँ बाप भी नागा साधु हैं? आपके माँ बाप भी नागा साधु हैं, या आपके अंदर ऐसी रुचि आ गई कि हम ये बन जाएं? माँ बाप नहीं होते, हम लोग माँ बाप को छोड़ के गुरु परंपरा, नाद परंपरा में हम जुड़ जाते हैं। अपने यहाँ क्या है कि दो तरह से सृष्टि मतलब जनरल देखने को मिलती है, वैसे तो छह सात तरह से सृष्टि का निर्माण होता है, लेकिन दो तरह की वृत्ति देखी जाती है। बिंदु वाली, बिंदु में माँ बाप जो है अपने कर्म इत्यादि से करते हैं, और सन्यासी जब घर छोड़ता है तो वो नाद परंपरा से जुड़ता है, ज्ञान परंपरा से जुड़ता है। वो कर्म परंपरा है माता पिता की, और ये ज्ञान परंपरा है। इसमें किसी को भी किसी पे विश्वास, शिष्य मान लिया भगवान पे विश्वास रख के, तो वो फिर माँ बाप से भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कर्म से बड़ा ज्ञान है। जी जी, तो हमारी जो ऑडियंस है, अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। पूछ सकते हो ऐसा जी। गायत्री जी, शायद ये जो रामेश्वरपुरी जी हैं और जो दूसरे रेड में हैं, ये शुभमपुरी जी हैं, ये महंत हैं, और रामेश्वरपुरी जो हैं वो असम में भी वहां पर कामाख्या के पीछे दक्षिण दिशा की तरफ, द्वार की तरफ ये रहते हैं। इसीलिए मैंने गायत्री जी को बुलाया था, क्योंकि वो भी असम की हैं। अच्छा, नमस्कार नमस्कार। ओम नमो नारायण नमः। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है जितेंद्र जी का, तो मैं क्या लोगों को ऊपर बुला के पैनल पे क्वेश्चन पूछूं या नीचे कमेंट पे ही पूछ लूं? जैसा भी हो, मेरे तो सबका काम आता है, जो भी हो हमसे यथा योग होगा हम उसका जो है निराकरण करने की कोशिश करें। जी, जितेंद्र जी पूछ रहे हैं, नागा और नाथ क्या भिन्न है? हाँ, परंपराओं से भिन्न है। देखिए ऐसा है कि अपने आप भारत में बहुत सारी परंपराएं आई, वैष्णवों की भी आई,
और सन्यासियों की भी आई, नाथ परंपरा भी आई है, लेकिन ये दोनों जो है समकक्ष है, नाथ और नागा सन्यासी, ये सब जो है इनका जो है जो इसमें क्या ज्ञान परंपरा होती है, कोई अद्वैत को मानता है, कोई द्वैताद्वैत को मानता है, कोई विशिष्टाद्वैत को मानता है, और भी तमाम जो है परंपराएं निकली है चार शंकराचार्य। तो नाथों की जो परंपरा है और उनकी जो उपासना है वो सन्यासियों से मिलती जुलती है काफी, तो वो एक ही हुए, विशिष्ट हैं नाथ लोग, विशिष्ट हैं ऐसा नहीं, लेकिन उपासना के कारण जो है एक ही माना जाएगा परिवार। हमारे लोगों की आइडियोलॉजी जो हमारा जो इष्ट के भगवान को किस दृष्टि से देखना, वो नाथ लोगों का और सन्यासियों का भी मिलता जुलता है। हाँ, वो उपासना में थोड़ा, उपासना में थोड़ा डिफरेंस। जी, मैंने एक लिंक दे दिया है तो उसको पिन कमेंट में डाल दिया है, तो आप लोग आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी जितेंद्र जी आपका स्वागत है, वनांदू जी आपका स्वागत है, पूछिए जितेंद्र जी। सन्यासी गणों को प्रणाम। समाज को बहुत सारी परंपराओं को देखने को मिलता है समाज में, ये परंपरा है वो परंपरा है, परंतु हमारे हिंदुओं में ना सबको इन परंपराओं का ज्ञान नहीं है, उनमें क्या भिन्नता है वो भी नहीं पता। अब नाथ संप्रदाय जिससे योगी आदित्यनाथ आते हैं, ये परंपरा आदिनाथ से शुरू होती है, परंतु जो नागा साधु हैं उनका आदि स्रोत क्या है? कोई सनातन के आप लोग जो है पूछ सकते हो। मेरा प्रश्न पहुंचा क्या? इन्होंने अपना प्रश्न पूछा था कि योगी जी जो हैं वो नाथ संप्रदाय से आते हैं, और ये पूछ रहे हैं कि क्या पूछा आपने, दोबारा पूछिए जितेंद्र जी। हाँ, नाथ संप्रदाय जो है वो आदिनाथ यानी भगवान शिव से आरंभ होता है, उसके बाद जैसे मच्छेंद्र, गोरखनाथ, ये परंपरा बहुत लंबी है और कई नाथ हुए इसमें नाथ संप्रदाय में, परंतु जो नागा संप्रदाय है इसका आदि स्रोत कहाँ है? ये पूछ रहे हैं कि नागा, ये नाथ का तो महाशिव जी हैं, पर जो नागा संप्रदाय है उसका आदि स्रोत क्या है? मतलब समझा नहीं। मतलब नाथ संप्रदाय में तो शिव जी से स्टार्ट होता है वो, तो उनको पूछते हैं शिव जी को, तो जो नागा वाले हैं वो किनको पूछते हैं? नाथ संप्रदाय में अधिकतर वो कारण है कुंडल, कुंडल अटले माता पार्वती, पार्वती जी ने जो कुंडल पहने थे वो अधिक माता पार्वती की साधना करते हैं, और सन्यासी नागा सन्यासी जो शिव की अधिक आराधना करते। ना ना ना, ये कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। साधना किसकी करते नहीं पूछा मैंने, मैंने आदि स्रोत के बारे में पूछा है। नाथ संप्रदाय भगवान शिव से आरंभ होता है, आदि नाथ उन्हें कहा जाता है, और उसके बाद मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ, इसी तरह से बहुत सारे नाथ हुए हैं, परंतु नागा साधु जिन्हें कहा जाता है, ये नागा साधु इनका आदि यानी मूल कहाँ से आरंभ है? नागा सन्यासियों का मूल कहाँ से? नागा सन्यासियों का तो मूल आदि गुरु शंकराचार्य, शंकराचार्य जी ने बनाया, शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित की थी। अखाड़ा आदि अनादि काल से चलते आ रहा था, और आदि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सात नागा सन्यासी का सात अखाड़े बनाए, और वैरागी का टोटल 13 अखाड़े बनाए, और 13 अखाड़े में से नागा सन्यासियों के सात अखाड़े बनाए। ये पहले मैंने चर्चा कर लिया, साते सात अखाड़े का नाम दे दिया, 10 नाम नागा सन्यासी, और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सात अखाड़े की स्थापना की, उसमें 6 अखाड़े को नागा बनाया और एक ब्रह्मचारी है जो अपनी अखाड़ा है वो ब्रह्मचारी है, और 6 अखाड़ा को नागा की दीक्षा दी, और उसमें एक फौज की सिस्टम है, मतलब एक नागा की फौज होती है, और जमात जमात और जमातिया दो महंत होते हैं और जमात के साथ चलते हैं। पहले जमाने में ऐसा परिस्थिति थी कि सनातन धर्म के मंदिर तोड़ रहे थे और सनातन धर्म को खत्म करने के लिए तुले हुए थे, आक्रांता
तभी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने एक नागा सन्यासी की भोज तैयार की और उसमें नागा सन्यासी की भोज तैयार करके उसको प्रशिक्षण किया अखाड़े का, अखाड़ा आदि अनादि काल से उसको शाम दाम दंड भेद से उसको परिपूर्ण किया और वो भोज लेके महंत निकलते थे और हमारे मंदिर जहां टूट रहे थे वहां उसकी रक्षा करने के लिए वो भोज को नागाओं की भोज वहां रक्षा करने के लिए लड़ती थी आक्रांताओं से। और वैसे भारत में हजारों मंदिर टूट गए लेकिन हजारों मंदिर की रक्षा किया है। जितेंद्र जी आपके बात का क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दे दिया, वो शिव किया उनका मूल स्रोत। जितेंद्र जी उनकी जो है वो मूल स्रोत उनका है शिव जी, शिव की आराधना करता है। आदि गुरु शंकराचार्य वो भी शिव के अवतार है जी। अघोरी जो है वो डिफरेंट होते हैं ना, अघोरी तो फर्क होते हैं ना, अघोरी बाबा जो होते हैं वो अघोरी नाथ संप्रदाय में आता है, वो घोरी वो गढ़ कापाली को नाथ संप्रदाय में आता है। अच्छा वनांदु जी आपका स्वागत है, आप जी। हाँ जी सभी को मेरा प्रणाम जी। थोड़ा जोर से बोलिए वनांदु जी, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। कैसे हैं सभी? ठीक हैं, कुशल मंगल है, प्रभु से आशा है। मेरा प्रश्न ये था, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा और जोर से बोलिए वनांदु जी, उनको आवाज नहीं आ रही है इतनी। आप सुन पा रहे हैं मेरे को? नहीं सुन पा रहे ज्यादा अच्छा। सुन लो आप सुन के। हाँ ठीक है, मैं तब तक वॉल्यूम करता हूँ, तब तक आप नहीं, आप ऐसा करो पूछ लो और फिर मैं उनको बता दूंगी अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछो अपना क्वेश्चन। अच्छा जी, मेरा प्रश्न जी 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 मेरा प्रश्न ये था कि जिस तरह से हम देखते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का जो मार्ग प्रशस्त करते हैं उनके मौलवी होते हैं, वो उनके सुख में और दुख में साथ देते हैं, उनके समाज को आगे ले जाने का एक बहुत बड़ा काम करते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे विभिन्न प्रकार के जो साधुगण हैं, हमारे जो महामंडलेश्वर जी हैं, बड़े बड़े जो उनके अखाड़े हैं, तो वो केवल मंदिर तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन जब हिंदू समाज को आगे ले जाने की और उनको रक्षा करने की बारी आती है तो हम देखते हैं कि हमको कोई भी इस तरह का वहां पर लीडर नहीं मिलता है, तो ऐसा क्यों है? आखिर हम कब तक इसी तरह से रहेंगे? ये आपका प्रश्न बहुत सही है, थोड़ी कमी है, लेकिन ये सनातन सत्य नहीं है कि जितने भी साधु संत है वो धर्म की रक्षा करने के लिए और सनातन धर्म का प्रचार नहीं करते। हमारा मूल उद्देश्य ही धर्म का प्रचार का है और आज जो सनातन धर्म देश विदेश में फैला है तो कोई और किसी ने नहीं फैलाया, हमारे सन्यासी साधु संतों ने ही फैलाया। आज पूरे विश्व में जो प्रचार हो रहा है सनातन धर्म का तो वो संतों ने ही प्रचार किया है, आदरण नहीं किया कोई, ना कोई गवर्नमेंट ने किया है ना कोई गृहस्थी ने किया है, वो संतों ने ही किया है। स्वामी विवेकानंद जी से लेके आज तक का जितने भी संत है उसका इतिहास देख लीजिए आप जी। लेकिन एक और प्रश्न इससे निकल के आता है, वो ये है कि जब कोई हमारे धर्म पे छीटा कसी या फिर कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो हम लोग असहाय हो जाते हैं, कोई भी हमारे बड़े बड़े धर्म गुरु उस समय बाहर नहीं आते हैं, हमको ऐसा लगता है, तो इसमें मैं कृपया बोलूं जी, मैं इसमें बोलना चाहती हूँ क्योंकि ये एक सामान्य नागरिक होने के नाते एक जब हम ये अपेक्षा रखते हैं कि हमारे जो ऐसे साधु सन्यासी जो संप्रदाय है, हमारे सन्यास गण सामने आए, ऐसा यदि हम अपेक्षा रखते हैं तो सबसे पहले हमें स्वयं से भी प्रश्न पूछना चाहिए कि एक सनातन और सामान्य नागरिक होने के नाते हम सामान्य नागरिकों ने सन्यास गण जो होते हैं, हमारे जो साधु संत परिवार जो होते हैं, उनको हमने कितना सक्षम किया, हम तो उनको कितना सक्षम करते हैं। यदि हमारे गांव में हमारे शहर में यदि कभी भी कुछ जमावड़ा होता है तो हमारे ओर से आर्थिक हो, ताकत से हो, अपने घर परिवार से हो, हम उनको कितना सम्मिलित करते हैं, हम उनको कितना सक्षम करते हैं। हमारे संन्यास गण, हमारे साधु गण को जब हम
आर्थिक रूप से ही सक्षम नहीं करेंगे, फिर हम उनसे कैसे ये अपेक्षा रख सकते हैं कि वो हमारे साथ आए? वो भूखे पेट रहेंगे क्या? वो उनको हम कितना बाकी शारीरिक रूप से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं? जब हम ये समांतरा लेकर आते हैं मुसलमान की ओर पे, तो आप आपको पता है कि उनको हर महीने का मासूल मिलता है। यदि सरकार नहीं भी देती है तो भी वहां के 10-15 परिवार मिलकर हर महीने का उनका तनख्वाह, उनके बच्चों तक का वो सब कुछ वो देखते हैं। उनके चार चार बीवियां होते, चारों बीवियों के 40 औलादों का वो ख्याल रखते हैं। हम अपने एक साधु का, एक हमारे जो किसी भी परंपरा के हो, संन्यास का कभी हमने कभी भी जिम्मेदारी उठाई क्या? जब हम नहीं उठाते हैं तो हम एक तरफा का ये ट्रांजैक्शन कैसे अपेक्षा रख सकते हैं? यह प्रश्न हमें स्वयं को पूछना चाहिए एक साधारण नागरिक होने के नाते। आज यदि हमारे धर्म का, यदि हमारे साधु संत यदि सक्षम रूप से और तटस्थ रूप से यदि आगे नहीं आ पा रहे हैं, यह आपके ऊपर रिफ्लेक्शन है, यह आपके ऊपर सोचने की बात है, यह हमारे ऊपर सोचने की बात है, क्योंकि हमने उनको सक्षम नहीं किया। वो बिचारे आज भी वैसे ही करके कर रहे हैं, स्वयं को उन्होंने सर्वास्वर्पण करके भगवा दर पहन के अपने खुद का पिंडदान देकर बैठे हैं। अब और क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? हम अपने कर्तव्य कब करेंगे? यदि नहीं करेंगे तो सामने वाले से अपेक्षा भी हमें नहीं करनी चाहिए। सन्यासी साधु के बारे में, माँ होती है ना, बाप होता है ना, भाई ना, कुटुंब ना, कबेला ना, गांव ना, चाहे वो वसुदेव कुटुंब का पूरा जगत को लेके वो जीवन पर्यंत हम भजन साधना इतना कठिन कठिन अनुष्ठान करते हो जगत कल्याण के लिए, ना कि हमारे सुख के लिए। निष्काम ही रहते, निष्काम भाव से जीवन पर्यंत हम सेवा करते हैं जगत की, और आखिर में हमको जगत से कब क्या मिलता है वो हमारा अनुभव प्रश्नल हमको कभी पूछो ना तो हम बताएंगे। तो आपको पता है, शेयर करने की चीज नहीं है ये, शेयर करने के नहीं, हमको क्या बीतती है, अपना ही समाज है ना, अपना ही समाज है। हम सलते हैं तो हमको गालियां तक देते हैं, हमने किसी से भीख नहीं मांगते हैं, हम दाल रोटी खाके जीवन पर। आप लोग ये बताइए कितने देव स्थान जो इनका इनका मतलब था, मेरे ख्याल में मुझे लगता है ये आप लोगों से प्रश्न नहीं था वरांदू जी का, उनका मतलब था जो जो मठाधीश होते हैं ना, जैसे कि शंकराचार्य जी का जो मठाधीश है ऐसे 6 हैं पूरे, तो ये उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। मेरा मतलब ये इंडिविजुअल साधु लोगों से नहीं, बल्कि जो जैसे जो शंकराचार्य का पीठ है उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस्कॉन की तरह जो है सनातन धर्म की रक्षा करें। जैसे जो लोग जैसे मैं बताती हूँ स्वामी जी, इनका मतलब था, इनका मतलब था कि कुछ लोग जो है कॉमेडी करते हैं, जो लोग चुटकुले बनाते हैं सनातन धर्म पे, और अभी मुनव्वर फारूकी जैसे लोग हैं जो कि हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं स्टेज पर जाकर और पैसे कमाते हैं इस प्रकार, तो तब ये लोग नहीं आते हैं? जैसे शंकराचार्य हो गए, श्री श्री रविशंकर हो गए, सदगुरु हो गए, ये लोग कोई नहीं कमेंट करते हैं जो कि ऐसी पोजीशन में है गायत्री जी की, वो लोग कर सकते हैं सनातन की। इनका मतलब इतने साधुओं से नहीं है जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना वस्त्र है ना खाने को है, उनसे नहीं है, बल्कि इन लोगों से है जो बड़ी जगह पे प्रतिष्ठित है और सनातन की करना जी। उसको करना चाहिए, लेकिन कुछ लेवल सनातन धर्म में कुछ लेवल तक पहुंच जाते हैं तो उसको जितने हुआ जहां तक पहुंचा है वो उसके कर्मों से पहुंचता है, लेकिन एक शब्द बोले तो गिराने के लिए अपने ही आ जाते, ये भी सही बात। और उस संत को बदनाम करने के लिए इतना षड्यंत्र रचा जाता है। अपना इतिहास है, भारतीय इतिहास खोलकर देखो, हमारे सनातन धर्म के संतों को बदनाम करने के लिए कोई कसास नहीं छोड़ती। तो जो सही, कुछ के कोई धर्म विशेष के खिलाफ कुछ बोल दिया तो वो हमारे सनातन धर्म में हिंदू ही इतने क्रूर है कि वो उसको गिराने के चक्कर में आ जाएगा, इसने वो धर्म विशेष के विरुद्ध में क्यों बोला? तो क्योंकि कई सारे जो है ना अभी उनको शत्रु बोध नहीं हुआ है, वो सेक्युलर हिंदू हैं जो कि सो रहे हैं,
और धीरे धीरे मरते जा रहे हैं, हिंदू उनको नहीं देख रहे हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं केवल स्वयं का। जी मेरा एक और प्रश्न था प्रीति जी, पूछ सकता हूँ एक और प्रश्न? वनांदू जी, जी गरिमा जी भी वेटिंग में हैं। अच्छा पूछिए वनांदू जी, पूछ लीजिए। जी मेरा एक प्रश्न ये था कि जिस तरह से जो इनका मुस्लिम लोगों का वक्फ बोर्ड होता है, वहां से इन लोगों को पैसा आता है इनके नीचे मुल्ला मौलवियों के लिए, लेकिन हमारे जितने भी बड़े बड़े मंदिर है, जितने भी हमारे बड़े बड़े मंदिर, हमको बताओ। हाँ ये पूछ रहे हैं प्रश्न, वनांदू जी ने एक प्रश्न पूछा है कि मुसलमानों का वक्फ बोर्ड होता है, सारे मौलवियों को पैसा जो है वो वक्फ बोर्ड देता है, तो ऐसा हमारे सनातनियों के पास बोर्ड क्यों नहीं है, जो साधु संत बिचारे जो हैं अपना शरीर को इतना कष्ट देकर और इतने गरीबी में रहते हैं, तो उनको धन क्यों नहीं देता? इंदिरा गांधी अंग्रेजों से ये अपने सनातन धर्म को खत्म करेंगे, अंग्रेजों ने ये भी किया, के ऊपर कब्जा करना, उसके बाद अंग्रेज ने किया हमारे सनातन धर्म को, मोगल पोर्टुगल कोलंबियस अंग्रेज बाकी रह गया तो कांग्रेस तक आ, और सनातन धर्म को खत्म करने के लिए कोई कसास नहीं छोड़ी। ये तो सनातन धर्म परमात्मा की के आज उठकर खड़ा हुआ, आर्टिकल 24, 25, 27, 28, 30, 31, 30A ये जो आर्टिकल है धाराएं भारतीय संविधान में, वो सनातन धर्म को दबाने के लिए है। उसका थोड़ा इतिहास आप पढ़ लीजिए तो आपको पता चलेगा 30A धारा क्या है। सनातन धर्म के मंदिरों को 24 घंटे में गवर्नमेंट कभी भी अंडरटेकर कर सकती है, उसमें किसी की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर आएगा और तुरंत बोल देगा कि मेरा कब्जा है, ये 30 ये दाना। तो मतलब ऐसी धाराएं लगाई है कि हमारे सनातन धर्म का रुपया जो हम दान देते हैं, 100 रुपया दान देते हैं तो 60 रुपया सरकार ले लेती है, वो फंडिंग करती है मदरसा में, वो खुद का नहीं डालती है, संविधान कहता है उसमें साधु संन्यासियों का कुछ नहीं चलता, हमको तो मजबूर होकर देना पड़ता है, नहीं देंगे तो वो कब्जा कर लेंगे। तो आपका मतलब संविधान में चेंज होना चाहिए, आपका मतलब कि संविधान बदलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए हम लोगों को। उसमें मैंने यही किया था कि हमारे सनातन धर्म के हजारों मंदिर है वो आज जीर्णोद्धार के बिना पड़े है, वो खंडेर हालत में है, इतने प्राचीन मंदिर है 800, 1000, 1200 साल के, लेकिन उसको जीर्णोद्धार करने के लिए कोई फंड फाला है नहीं, ना कोई भंडोल है, और गवर्नमेंट जो भंडोल आ रहा है जहां जहां है अपने मंदिर, जैसे अपना काशी विश्वनाथ है, फिर सोमनाथ है, तो सारा ही मंदिरों के ऊपर गवर्नमेंट का कब्जा है, तो वो जो फंडिंग आता है तो वो गवर्नमेंट का नियम है कि वो फंडिंग खींचना और वही मदरसा में बांटना, तो हम कहां से करेंगे? हमारे सनातन धर्म के हजारों मंदिर आज की डेट में जीर्णोद्धार के बिना पड़ा, तो उसमें सन्यासियों का दोष नहीं है, साधु संतों का दोष नहीं है, वो तो दाल रोटी खा के फिर भी इतना खड़ा रखा है, वो उसका आभार मानना चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल सही कहा आपने स्वामी जी, बल्कि हमारे हिंदुओं में कमी है, हमारे हिंदुओं में कमी है। हम अगर सरकार ने बोर्ड नहीं भी बनाया या संविधान में नहीं भी चेंज किया तो हम हिंदुओं ने भी क्या कर लिया, हमें खुद जाकर जो है साधुओं को देना चाहिए। साधु संतों ने टिका के रखा है, दाल रोटी खा के टिका के रखा, संतों का आभार मानना चाहिए। देखो एक दूसरी चीज, हमारे यहाँ तो सात्विक अन्न दाल रोटी वगैरह खाकर ये लोग किसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं, जबकि ये नर पिशाच जो है बिरयानी खा खा के मोटे हो रहे हैं और जो है हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं दिन रात। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थैंक यू वनांदू जी जुड़ने के लिए। गरिमा जोशी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना क्वेश्चन। गरिमा जी अनम्यूट होकर पूछिए क्वेश्चन जी। जी गरिमा जी बोलिए, आप अनम्यूट होकर बोलिए।
आपकी आवाज नहीं आ रही गरिमा जी, बोलिए पूछिए, अनम्यूट होइए गरिमा जी और पूछिए अपना क्वेश्चन। ड्रॉप हो गई। हरी सिंह जी आपका स्वागत है, अपना क्वेश्चन पूछिए अनम्यूट होकर। हरी सिंह जी अपना क्वेश्चन पूछिए अनम्यूट होकर जी। नमस्कार जी। नमस्कार। बर्मा के वेश में बैठे हुए दोनों साधुओं को और इस संपूर्ण सभा को मैं सादर नमन करता हूं। मैं मेरे अनुभव के आधार पर दो आपसे आवेदन कर रहा हूं। आपने समाज में फैले हुए एक मिथ को मारने के लिए क्या किया, अहिंसा परम धर्म, लेकिन उसके बाद का एक शब्द और भी है जो छुपाया गया, अहिंसा परम धर्म हिंसा तदेव च। आप साधु वेश में आए हैं तो आपके पीछे आपके वस्त्र साधु होने चाहिए, लेकिन पीछे आपके तलवार भाले और त्रिशूल टंगे हुए होने चाहिए। मैं ये कामना करता हूँ आपसे। क्या है दो आप बोलिए। स्वामी जी इनका क्वेश्चन ये है कि आपकी रक्षा के लिए, आपने आत्मरक्षा के लिए क्या प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि आप तो साधु संतों के वेश में हैं, लेकिन हमारे देवी देवता चूंकि सब रक्षा जो है शस्त्रों के साथ थे, तो क्या आपके पास अपनी आत्मरक्षा के लिए शस्त्र है कि नहीं? ये तो पूजा पाठ में तलवार इत्यादि ये सब जो है भगवान की तरफ से रहता है। जी एक हाथ में शास्त्र है, दूसरे हाथ में शस्त्र है। साधु जी, साधु जी मुझे बोलने का मौका दीजिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। जी बोलिए। समाज को आपने भीरू बना दिया 2000 साल से हम खत्म होते जा रहे हैं। आपने आप समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली सेना हैं, आपने अपने आप को सब कुछ त्याग करके ये करके बैठा दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जैसे देवता स्वर्ग में है वैसे आप इस धरातल पर, आपका स्वरूप है, आपने किसी चीज को आत्मसात नहीं किया, सब कुछ समाज को छोड़ दिया। क्या आपको पता है कि समाज में ऐसे कीड़े मकोड़े हैं जिनके पास में ना तो ज्ञान है, ना विज्ञान है, ना आगे भविष्य के सोचने की क्षमता है, और संविधान बनने के बाद और संविधान बनने से पहले सेकुलरिज्म सर्वधर्म संभाव ले ली आजादी बिना खड़ग और बिना ढाल, ऐसे बहुत से नैरेटिव चलाए गए। आपने क्या किया? आपका मैं इस देश पर बैठ करके मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपने ना तो अपने स्वयं का बचाव किया, ना अपने समाज का बचाव किया, आपने अपना पिंडदान कर दिया। हरी सिंह जी आपको आपको इस तरह के प्रश्न नहीं करने चाहिए। उनको क्या पता कि जो है उनको क्या मालूम कि ये नरपिशाच आ गए हैं। इन्होंने तो अपने जीवन में अच्छा उद्देश्य रखा, अब नरपिशाच बाद में आ गए तो इनका दोष थोड़ी ना है, इनके ऊपर थोड़ी ऐसा है। जब ऐसा है जब भी धर्म से जब भी बोले आप अपने लड़कों को हमको दीजिए धर्म की रक्षा करने के लिए। देखिए अभी जो है राक्षसों का प्रादुर्भाव असल में क्या है कि संपत्ति विभाग दो जो है ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं देवाश्चा, ये देववृत्ति और असुरवृत्ति ये प्रत्येक
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है तीन गुणों से प्रकृति से जो है बना हुआ है, उस पर इफेक्टेबल होते हैं। तो वशिष्ठ इत्यादि रामायण काल में भी जब ये अधर्मी पापी राक्षस जब ये पैदा हुए तो खुद राजा के पास गए, आप अपने लड़के दो और इनको लड़ाओ, जो है इनका प्रशिक्षण, इनको ज्ञान, इनको धर्म, और लड़ते हुए भी ये निर्लेप कैसे रहे वो साइंस में बता दूंगा, वो साइंस में आपको बता दूंगा। लेकिन आप ये कहो साधु लड़ने जाए तो साधु ठीक है, साधु तो फिर स्व आत्मरक्षा के लिए वो ठीक है, लेकिन जो है ये प्रत्येक व्यक्ति का जो है इसमें इससे लड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। समाज ने आज तक कोई लड़का दिया आज तक संत को? जैसे आपके दिमाग में खराब विचार आते हैं तो दूसरा अच्छा विचार उसको दबा देता है, तुरंत दबा देता है। दुयाहा प्रजापत्या देवाश्चा सुराश्चा, ये दोनों है तो खोपड़ी के अंदर भाई, अभी ये नरपिशाच हो गए, पहले तो अपने यहाँ जो है अपने में ऐसे ही बन जाते थे, तो उसको दबाया जाता है। और प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा और जिसके पास शक्ति है उसको ही इसमें आगे आके उसको दबाना चाहिए। हाँ उसमें कैसे करना क्या करना है और करते हुए भाई हमारा ये जन्म खराब ना हो जाए तो वो विज्ञान आप साधुओं से ले सकते हो, बाकी साधु यथायोग अपनी परिस्थिति के अनुसार लड़ता है। दूसरी चीज सनातन में क्या हुआ कि अपने यहां चार वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ठीक है। दुनिया में इतने कल्चर डेवलप हुए जो केवल ज्ञान की पोथी लेके गए, बाद में क्या शुरू हुआ, तलवार वाला आया बोले पुस्तक रख दो अपनी, अब मैं तुमको दबा के मैं राज्य करूंगा। कोई जो है तलवार की नोक पे गया, उसको ज्ञानियों ने उठा के पटक दिया, उसको बैराग हो गया। तो अपने यहां जो चार वर्ण चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म भागसा, भगवान ने कहा ये मैंने ही बनाए, तो ये इसलिए बनाए हैं कि ये चारों वर्ण हमारी चारों तरफ से रक्षा करते हैं, बाउंडेशन करते हैं। तो सनातन पे इतना लोगों ने पढ़ा लिखा समझा कि क्या है इसके अंदर कि आदि अनादि काल से है और ये मिटता नहीं है, कुछ तो है कि हस्ती हमारी मिटती क्या है। ज्ञान में भी हम लोग आगे, नेटवर्क से ज्ञान में भी हम लोग आगे, लड़ाई के लिए भगवान ने कहा भाई क्षत्रिय वर्ण है तुम लोग आगे जाओ, अच्छा इन दोनों के लिए पैसे धन इत्यादि के लिए व्यस्त बना दिए, फिर ये तीनों की जो है कोई समस्या ना आए, श्रमिक वर्ग भी चाहिए, सब पैसे वाले हो। तो ये विज्ञान है सनातन का कि हजारों करोड़ों साल से ये चार वर्ण जो भगवान ने बनाए उसकी वजह से जो है यहाँ कुछ भी डिसबैलेंसिंग नहीं होता है। तो लोगों ने ये सोचा कि अब सनातनियों को तलवार से लड़ने जाओ तो क्षत्रिय है, ज्ञान से लड़ने जाओ तो ज्ञानी है, इनको दबाया कैसे जाए, तो इनको कैसे दबाया जाए। तो फिर इसको उन्होंने यही सोचा कि अपना जो है अपनी संस्कृति इनके ऊपर थोप दो, इनके खाने में, इनके पीने में, इनके पढ़ने में, इनकी हर चीज में अपने आप हो जाए। वैसे लड़ने आओगे तो नहीं लड़ पाओगे कोई, ना ज्ञान में, ना तलवारों में, ना जो है मेहनत करने में, धन कमाने में, वैसे कोई नहीं आ सकता, ये सनातन सत्य है। तो इनको अब कन्वर्ट करना है, इनके ऊपर हावी होना है, तो इनको इंटरनल अपना इनके ऊपर थोपते जाओ और इनको कन्वर्ट करते। तो ये तो सनातन का बहुत बड़ा विज्ञान है कि एक चीज में विज्ञान है जी। प्रीति जी, प्रीति जी मुझे भी जाना पड़ेगा, मुझे अभी जाना पड़ेगा। आपको जाने से पहले कुछ पूछना है इनसे, बातचीत करनी पूछना हो तो पूछना, संतोष जी से तो मैं क्या ही पूछूं, मेरा इतनी मेरा वो अभी तक औधा नहीं बना है, आप के चरण कमल को बस मेरा शत शत नमन। और जो अभी प्रश्न पूछे थे ना, तो मात्र मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि आपने क्या किया है, अमुक ने क्या किया है, तमुक ने क्या किया है, ऐसा ना सोचकर हमने क्या किया है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक अभी अभी थोड़े दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, जे साई दीपक को हम सब जानते हैं, उनको बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा था किसी ने कि आप इतने फट-फट बोलते हो, इतने एलोक्वेंट हैं आप, इतने मृदुभाषी हैं, इतने फट-फट बोल सकते हैं, आपका वाक पतुता बहुत अच्छा है, तो आप ये जो हमारे सनातन धर्म के लिए काम है उसको आप फुल टाइम क्यों नहीं लेते हो, फुल टाइम लोगे क्या? उन्होंने पता है क्या बोला, उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं लूंगा,
उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं लूंगा क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं कि मैं इसको फुल टाइम लूंगा, क्योंकि मैंने देखा है हमारे इतिहास में झांक कर कि जिन जिन लोगों ने अपना सर्वस्व अर्पण करके हिंदू सनातन धर्म के लिए काम किया है उनको हिंदू धर्म के लोगों ने केवल और केवल तिरस्कार किया है, कभी कोई अच्छा नहीं बोला है, कभी उसका अच्छा नहीं किया है, वो डूब गया है। और हाँ, और इसी कारण चूंकि, लेकिन मुसलमान ऐसे नहीं है, मुसलमान क्रिश्चियन वो आभार मानते हैं, वो सब कुछ कर देंगे उनके लिए, लेकिन हिंदू लोग उसका बिल्कुल विपरीत करेंगे, वो केवल केवल आपके टांग खींचेंगे, आपके ऊपर उंगली उठाएंगे और आपका जीवन खत्म कर देंगे। तो इसी कारण और केवल इसी कारण मैं मूर्ख नहीं हूं और मैं अपना फुल टाइम बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं केवल केवल तब करूंगा जब मेरे सहूलियत में आए, केवल तब मैं माइक के सामने आऊंगा, अन्यथा मैं तो बहुत बढ़िया सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूं, मैं वो काम करूंगा और पैसा कमाऊंगा। और उन्होंने बोला ये एक बहुत ही कड़वा घूंट है, पी लो, क्योंकि तुम लोग ये डिजर्व करते हो सनातनी हो, ये तुमको डिजर्व करते हो, ऐसे उन्होंने बोला। इसका मुझे लगता है दोबारा हमें सोचना पड़ेगा। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, यदि मैंने कोई कटु वचन बोले हैं क्षमा कीजिए। हर हर महादेव। तो श्रेयांश स्वधर्मो बिगड़ा जब तक अपने अंदर नहीं आएगा, अंदर पर धर्म सुनिश्चिता स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भया वहा, इतना बोल के मैं वाणी को विराम दूंगा, बाकी आप लोग करते रहना। कि जब तक अपने धर्म के प्रति हम उसको समझेंगे नहीं, बहुत गूढ़ है ये, बहुत इसमें साइंस है, जब तक इसको समझोगे नहीं, जब तक ये समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि इसी धर्म को लेके लोगों ने कितनी किताबें लिख दी। वो हाथी की पूंछ हाथ में आ गई, बोले ऐसा ही है हाथी, किसी के कान कान लग गया, बोले ऐसा है हाथी। तो ये बहुत गूढ़ है, बहुत साइंस है इसमें सनातन में, इसको बहुत समझना पड़ेगा जी। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। गायत्री जी, बीकेएस जी आपका स्वागत है, बोलिए अपना क्वेश्चन। सबको नमस्कार। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, सबको नमस्कार। ओम नमो नारायण। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो भाई आए थे जो अपने साधु सन्यासियों के ऊपर टिप्पणी करने, तो वो इंसान नहीं है क्या? उनके वो कुछ नहीं कर सकते क्या? साधु सन्यासियों को बोलने से पहले खुद मैदान में उतरना पड़ेगा, खुद सरकार के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा। ये जो इनका कल्ट का किताब है ना, कल्ट किताब, उसको हटवाना पड़ेगा, नहीं तो ये देश तो बचने वाला तो है नहीं। हमें लोगों को उतरना पड़ेगा। साधु सन्यासी क्या कर सकते हैं? मार्गदर्शन कर सकते हैं, इनको तो इतना समझ में आता नहीं। ये आ जाते हैं साधु सन्यासी के ऊपर टिप्पणी करने, इसलिए मैं उसकी बात सुन के इसलिए मैं तुरंत अंदर प्रवेश किया, नहीं तो मैं तो बाहर से स्ट्रीम सुनने वाला था, जरूर लगता तो मैं प्रवेश करता। लेकिन साधु सन्यासी के टिप्पणी क्यों करते हो? खुद अपने में फूट है तो दूसरे साधु सन्यासी कितना जोड़ेंगे बेचारे? वो तो दुनिया से मतलब ही नहीं रखते, अपने धर्म अपने कर्म से मतलब रखते हैं, उनको उन अपने धर्म को खाली एकत्रित करके रखना है, लेकिन ये अपने को ही बोला आपने बीके आप क्या कर रहे हैं? आपका कोई अपना प्रश्न है इनसे, कुछ ज्ञान का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप इनसे? मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि इनके बराबर हम नहीं है, हम आम इंसान है, इनके बराबर हम नहीं पहुँच सकते, हम आम इंसान है। लेकिन ये है कि इनका जो काम है अच्छा है, इनको अभी और कोई अखाड़ा तैयार करना चाहिए कि जो हिंदू कट्टर हिंदू निकले, जो इनके मुसलमानों के खिलाफ अपना प्रदर्शन, अपना उग्र प्रदर्शन जैसा भी हो दबाव डालने का वैसे करे, तब अच्छा। मैं एक मैसेज और मैं आपको दे रहा हूँ, नमो नारायण। प्रश्न पूछना चाहिए, देखिए आप अगर बीमार है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक, आपका कहीं केस पड़ांगा हो गया तो आप वकील के पास जाएंगे। आप अपने धर्म के प्रश्न साधु सन्यासी से नहीं पूछोगे, ये रखोगे कि आपके आपसे छोटे हैं, तभी तो आपसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं महाराज जी। तो प्रश्न पूछना चाहिए, साधुओं से ज्ञान के लिए ही जाना चाहिए, पूछना चाहिए, शंका है उसको आप समाधान करिए महाराज। तो आप अगर नहीं पूछते हो तो ये आपकी थोड़ा पूछना चाहिए, निराकरण होना चाहिए महाराज, साधुओं के पास ज्ञान के लिए ही जाना चाहिए, दूसरे किसी जाने क्या जरूरत है। एक सवाल जरूर कर रहा हूँ आपसे, यदि आप कह रहे हैं तो एक सवाल करता हूँ। पहले हम हिंदुओं में जो भी अलग हैं, जो अनपढ़ हैं, जो जाहिल हैं, जो समझदार नहीं है, उनको आप एकत्रित करिए। कहे कि हम एक दिन, अभी दो चार दिन की बात है,
हमारा ही एक क्षत्रिय समाज का आदमी था, उसने क्या बोला, हम ब्राह्मणों से नफरत करते हैं। ये कौन सी बात हुई ये मेरे को नहीं समझ में आता है। और जब तुम क्षत्रिय हो तो ब्राह्मण से किस बात में नफरत करते हो ये तो बताओ। और वेद शास्त्र की बात करता है तो वेद शास्त्र तो हम जानते हैं क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, हम वेद शास्त्र को तो पढ़े हुए हैं, इतना अनपढ़ भी नहीं है। इसलिए उसको जब वेद शास्त्र में बात करो तो वेद शास्त्र में बात नहीं करते, मतलब इनको नफरत करना है मुसलमानों के कहने पे। बस इतनी देखो, आदमी जब जो है जब देखो आदमी जब पैदा होता है तो विभिन्न संस्कार लेके पैदा होता है। कोई राक्षसी वृत्ति में चला जाता है और कोई जो है पशु वृत्ति में रहता है, क्योंकि अपने यहाँ तो अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गति, अनेक जन्मों की अपने यहाँ गणना और माना गया है। जो प्रारब्ध है, संचित है, क्रियमाण है, उसमें जो संचित कर्म है वो अनेक योनियों से आता है। तो जो जिस योनि से आता है तो कोई पशुता में जीता है, कोई राक्षस पने में जीता है, कोई कहीं जो है कोई गुरु महाराज या कोई ग्रंथ की कृपा हो गई या भगवान की कृपा हो गई। यमे वेश वृणुते तेन लभ्या तस्से से आत्मा विवृणते तनु स्याम नायमात्मा प्रवचने लभ्या। तो कहीं कोई कृपा हो गई तब वो मनुष्य पे आया, लेकिन वास्तव में ये मनुष्य जो देह है ये तो देवत्व की प्राप्ति का मार्ग है। तो है समाज में भाई पशुता लेके आ गए तो पशु जैसा जीवन जीते हैं, राक्षसी जीवन जीते हैं, तो अपने को उठाना उसमें उत्कर्ष, मनुष्य का जो शरीर मिलता है वो उत्कर्ष के लिए ही मिलता है। क्या उठो उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधा चुरस्य धारा निस्ता दुरुत्या। तो विभिन्न लोग हैं मिलेंगे तो ये तो सब, लेकिन ये तो मेरे को यही बताया गया है उस इंसान के द्वारा कि मुझे सब लोग घृणा नहीं करते ब्राह्मणों से, आप चिंता मत करिए, कोई होता है कहीं कहीं। अरे बात ये ना स्वामी जी, ये जितने भी नरपिशाच कम्युनिटी के लोग हैं ये लोग हिंदुओं के बीच में भेदभाव पैदा करने के लिए ये उठाते हैं और यहाँ पर ब्राह्मण दलित करते हैं और बहुत तरह की चीजें, जब कुछ ना मिले तो स्त्री पुरुष करके ही भेद उत्पन्न करते हैं। तो इनका प्रयोजन ही है कि हिंदू समाज को तोड़ो और फिर एक अकेले को का भक्षण करो अकेले कर। देखो इनका बहुत बड़ा स्कैम है, मैं आपको बताऊं बहुत छोटी सी बात। इको सिस्टम इनका बना हुआ है, बहुत बड़ा स्कैम है। मैं एक बार कहीं जा रहा था, मेरे को चार पांच चाचा आए मिलने, एक पत्रिका दी पांच पन्ने की जिसको कोई भी हिंदू जो है एक घंटे में या आधा घंटे में पढ़ सकता है। उस पुस्तक में शुरुआत क्या थी, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म नेना नास्ति किंचना, मतलब पहले समन्वय की बातें आई। अब मैं तो, मेरे को तो गुरु महाराज ने पढ़ाया है, ये सब आते 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 एक ही है एक ही है एक ही है, और आखिरी में जाकिर नायक का जो मंत्र है जिसको जो कोट करता है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महात्यसा, उसने अपना जो है विचार उसमें डाल दिया, मूर्ति पूजा का खंडन कर दिया। कितनी बड़ी इन लोगों के स्कैम चल रहे हैं। तो वो मैं उसके सामने ही पढ़ डाला, पांच पन्ने की बुक थी। मैंने कहा भाई तू ये तो समन्वय वाला तो सब ठीक है कि एक मयो अद्वितीय ब्रह्म नेना नास्ति किंचना एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, ये सब ठीक है, लेकिन ये तू कह रहा है ये भी तूने वेद से लिया है कि ना तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महात्यसा, ये श्वेता श्वेता चोरी का है, इनका कुछ भी अपना नहीं है, इनका जो नबी था वो चुरा चुरा के ईसाइयों से लिखा था, चुरा चुरा के। अब जो है ना तस्य प्रतिमा अस्ति बोले उसकी प्रतिमा नहीं है, लिखा तो है। मैंने कहा ये प्रतिमा शब्द का अर्थ यहाँ पे मूर्ति नहीं है, ना तस्य समाप्रतीति इति प्रतिमा, नातस समस्या भ्यधिकस्य दृश्यते, उसके समान कोई प्रतीति वाला दूसरा नहीं है, ये अर्थ लेना है। तू मूर्ति पूजा खंडन क्यों कर रहा है? लेकिन आम हिंदू अगर कोई पढ़ेगा तो उसके मन में ये आएगा कि यार ये वेद का ही है। और ये जो सुवेद दर्शन जी बैठे हैं ना, ये जो सुवेद दर्शन जी हमारे पैनल पे बैठे हैं, इनको शब्दों का बहुत ज्ञान है। और जहां तक मुझे याद है इन्होंने ही सबसे पहले मुझे बताया था कि जब हम कोई मूर्ति किसी को देखकर उसकी तस्वीर बनाते हैं तो उसको प्रतिमा कहा जाता है, जो बिल्कुल ना वहाँ प्रतिमा शब्द जो है ना, और जब हम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तो वो विग्रह कहलाती है, और मंदिर में विग्रह होता है, मूर्ति नहीं होती है।
और मेरा कहना यह है, मैं तो इन नरपिशाचों से ये कहती हूँ कि जब हम किसी देश के झंडे को सैल्यूट करते हैं तो क्या हम डंडे और कपड़े को करते हैं या उस देश को करते हैं जिसका वो सूचक है? तो मूर्ति तो केवल एक निमित्त मात्र है, हम तो ईश्वर पर ध्यान करते हैं, जैसे कि देश के झंडे को आप सैल्यूट करते हैं। जी सुवेद दर्शन जी, आपका बहुत स्वागत है। बीकेएस जी धन्यवाद आपका। सुवेद दर्शन जी आपका बहुत स्वागत है। ये नागा सन्यासी हैं, बहुत हमारी वो है कि हमारे, हम ग्रेटफुल हैं इनके कि कृतज्ञ हैं कि ये हमारे चैनल पे आए हैं। नहीं, मेरे तो भागते हैं, उल्ले मुल्ले सब भागते हैं, मैं तो इनको समझा देता हूँ कहाँ क्या है। ओम नमो नारायण। हम सन्यासी श्याम दाम दंड भेद में मानते हैं, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि अपनों से ही हम लोग लड़ रहे जी। सुवेद जी, आपको कोई प्रश्न इनसे पूछना है या बात करनी है तो आप कर सकते हैं। जी, मैं सब साधु और संतों का बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, पर मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहता था, पर ये मेरे को सिर्फ ये बता दें, क्योंकि मैं तो, आपको मालूम है कि शब्दों पे और उनके मूल अर्थों पे ही जाता हूँ, क्योंकि अगर हमने वेद पढ़े हैं अपने अर्थों से पढ़े हैं तो वो व्यर्थ है। अगर हमने वेद जो है, वेद को उनके शब्दों के सही अर्थों से पढ़ा है, जाना है, तो फिर ही हम सच्चे ज्ञान को, सही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में, क्योंकि साधु से बात हो रही है, तो मेरा किसी के प्रति कोई अपमानजनित भाव नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि हम जिसको साधु कहते हैं, वो साधु से हमारा क्या अर्थ है? मैं परिभाषा नहीं जानना चाहता, मैं अभिप्राय नहीं जानना चाहता, भावार्थ नहीं जानना चाहता। जो साधु शब्द बता रहा है, अगर हम उसी को सही से समझ लें तो हमें प्रकट हो जाएगा कि हमें साधु से क्या समझना चाहिए और साधु होते हुए हमारा क्या कर्तव्य है और समाज को साधु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और साधु को समाज के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये बिल्कुल स्पष्ट और प्रकट है। सुवेद जी, कि आपका क्वेश्चन का आंसर तो आप ही सबसे अच्छा दे सकते हैं, क्योंकि साधु शब्द का अर्थ जो है आप ही बता सकते हैं, इस विषय में तो आप ही पारंगत हैं। नहीं, पर मेरे को भाव तो लेना पड़ेगा ना। मैं समझना चाहता हूँ कि प्रचलन में क्या है, कि अगर कोई स्वयं से साधु भी है, साधु तो शब्द का अर्थ जानना चाहते हैं स्वयं से ही स्वामी जी, उसको पता होना चाहिए शब्द का अर्थ। अगर नहीं है तो भी ठीक है। साधु का अर्थ होता है जिसने शरीर को साध लिया, उसको कहते हैं साधु। बैठ, आओ, दो मिनट आओ। शरीर को जिसने साध लिया उसको कहते हैं साधु। जिसने धूप में समानता रहे, ठंडी में समानता रहे, बारिश में समानता रहे, समाज में समानता रहे, उसको कहते हैं साधु। एक संत की भांति कोई संसारी जो कुछ दिन रहे तो उसको पता चले साधु और संसारी में क्या डिफरेंस। जी ठीक है, मैं आपका विचार मैंने सुना, पर जो कुछ भी आपने बताया वो साधु शब्द नहीं बता रहा है। तो साधु ऐसा शब्द है जिस, जो कुछ गुणों को प्रकट करता है, और वो गुण जिसमें भी हो, चाहे वो कोई भी वस्त्र कलर का या ढंग का वस्त्र पहने हो या वो कैसे भी वेशभूषा में हो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु उसी को कहा जा सकता है। मतलब ये नहीं होता है कि वो भगवा वस्त्र पहने कलर से साधु का मतलब नहीं होता है। जिसने शरीर को साध लिया उसको कहते हैं साधु। हाँ, मैंने आपकी ये परिभाषा जो आपने दिया है वो मैंने, हाँ मैं समझ गया उसको जो आप कह रहे हैं। हाँ, मगर साधु का जो साधु लिया है, आप प्रचलित अर्थ जानना चाहते थे सुवेद जी, तो आपको साधु का अर्थ पता चल गया है। हाँ। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। बीकेएस जी, आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो और किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछिए।
अभी अर्थ से वो समझते हैं, उन्होंने बता दिया। तो अगर मैं अपना अर्थ नहीं बताऊंगा, जी आप अपना अर्थ बता दीजिए। हाँ देखिए, साधु शब्द ये बता रहा है, वो व्यक्ति उसी को साधु कहा जा सकता है जो दूसरों के लिए सरलतम सहजतम सत्यतम आधार उत्पन्न करे और उसमें चले और उसका अनुसरण दूसरे लोग कर सके। ये साधु होता है, वो साधु होता है। साधु हर कोई नहीं हो सकता। साधु जो कोई अपने शरीर को साधने से कुछ नहीं होता है, वो तो शारीरिक क्षमता साधने से ही वो समाज में अपना पन आता है। बीच के पहले नहीं आता। साधु महाराज बीच में मत बोले, मैं अभी बात रख रहा हूँ अपनी, ठीक है ना। और सरलतम सहजतम साधु जी, ठीक है। सुवेद जी आप बहुत शॉर्ट में रखिए, क्योंकि हमें मैं शॉर्ट में ही रखना चाहूंगा, क्योंकि उनको सीधा मैं कोई परिभाषा नहीं दे रहा है। सुवेद जी आपने अभी जवाब दे दिया है, साधु का अर्थ अच्छा समझा दिया है आपने ऑलरेडी, तो धन्यवाद जी। आपने अभी समझा दिया है साधु का अर्थ। तो और कोई क्वेश्चन है किसी के? शरीर को साधना, ये सुवेद जी शब्दों पे अर्थ पे जाते हैं स्वामी जी। ये ना असल में शब्द के अंदर के जो अक्षर हैं, उन अक्षर का अर्थ से अर्थ निकालते हैं शब्द का। तो उस तरह से शरीर जो है संघात है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय प्राणों का संघात है, और ये सभी को साधना ही शरीर को साधना है। जी जी, तो और किसी के कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम लेंगे, मेरे को बता देना, ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत, आप आए और हमको इतना ज्ञान की बातें बताई, और सभी को नमो नारायण। आपके चरण स्पर्श आशीर्वादे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, सदैव आनंद में रहे सब। धन्यवाद। इसका वीडियो मंगा लेना, वीडियो बना होगा ना? सब बना है बापू। अरे राम 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 राम। मैं तुमने की दू तो वो काम था, आपको नीचे से खाली। अरे हाँ खाओ, ये हार नहीं लागतो, अबे बंद करो। ये जो लिखा है ना स्वामी जी, वो लीव स्टूडियो है ना, लीव स्टूडियो वहां से जी। तो जी अभी और किसी को कोई और बातचीत करनी है? नहीं तो फिर हम ये स्ट्रीम क्लोज करते हैं। हे स्ट्रेंजर्स जी, हे स्ट्रेंजर्स जी, आप अपने आप पहली बार आए हैं हमारी स्ट्रीम पर, अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, एक्स मुस्लिम हैं? जी हर हर महादेव दीदी। जी हर हर महादेव। तो वो स्वामी जी तो चले गए, अगर आपको वैसे ही कोई बात करनी है तो आप कर सकते हैं, आज सनातन सभा है जी। मैं आपसे आपका वीडियो रोज देखता हूँ, है ना? अच्छा अच्छा, क्या आप नेपाल से हैं? आप नेपाली? मैं नेपाल काठमांडू से बोल रहा हूँ, नेपाल से। जी जी, मैं गई हुई हूँ नेपाल, पोखरा गई हूँ मैं, मैंने देखा है सब। ठीक है, मेरा उनका मंदिर भी देखा है। जी जी, मेरा कहना यही है कि आप नरसिंहानंद जी को भी लेकर आइए अपना वीडियो में, ठीक है? आ चुके हैं वो मेरे सब, अमृतानंद जी भी आ चुके हैं और नरसिंहानंद जी भी आ चुके हैं मेरे, मेरी स्ट्रीम। ठीक है, फिर से लाइए, फिर से लाइएगा। और जो अभी जो महात्मा जी बोल रहे थे ना, उन सभी को यही यही कहिए कि नरसिंहानंद के साथ में लेकर चलो, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल जी, अलग 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 सब सभी अलग अलग बात कर रहे हैं। नरसिंहानंद जी को भी है ना, सभी से परिचय करवाइए, बस यही हम कहना चाहेंगे। और उनको भी लेकर आइए आप प्रोग्राम में, ठीक है? ठीक है,
ठीक है, जरूर। तो और किसी को कोई बात करनी है तो करिए, वरना ये स्ट्रीम क्लोज करते हैं। जी नमस्ते, हम जा रहे हैं। जी जय श्री राम। तो एंड में मैं ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ, और मैं लास्ट में कहूंगी कि आप सब लोग हलाल और बॉलीवुड का बहिष्कार करिए, सनातन सनातन सेतु और शूरवीर प्रोग्राम में रजिस्टर करिए, अपनी बच्चियों को खूब प्यार करिए, उन्हें सुअर के दांत का लॉकेट पहनाइए, अपने घर के दरवाजे के ऊपर सुअर के दांत की नाल गाड़ दीजिए, सुअर के खून के छापे अपने दरवाजे पे लगा दीजिए, अपने घर में सेल्फ डिफेंस की सारी चीजें रखिए, सनातनी बेबी सिटर्स रखिए, सनातनी लोगों को ही इम्प्लॉयमेंट दीजिए, और ईश्वर करे कि आपको और आपके परिवार को नर पिशाचों से सुरक्षित रखे। इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र। कल फिर मिलते हैं 5 बजे ऋग्वेद में।